भसीन साहब से एक राय ले लेते हैं, इससे पहले उनको विदा उनसे विदा लें। भसीन साहब बताइए, अब मार्केट पर आपका क्या व्यू है? ये आज 9,350 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है और जनरली हमने देखा है 9,350 ये पिछले कुछ दिनों से यहां पर आकर मार्केट थोड़ा सा सांस लेता है। क्या अगर एक बढ़िया खबर दिल्ली से आ जाए और आपका कंट्रीब्यूशन होगा, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, राहत पैकेज वाला कंट्रीब्यूशन ये आ जाए तो हम इस स्तर को लांग लेंगे और इस सीरीज में, मई सीरीज में बुल्स वापस से जोश में आ जाएंगे? बताइए, इस खबर पर अब तक सुबह से चर्चा ही नहीं हुई है, ये होप तो हमेशा लाइव रहेगा। हाँ बिल्कुल हेमंत जी, देखिए 2 हफ्ते की कंसोलिडेशन है 15 मई तक, बट मैं आपको फिर दावे से कहता हूँ एंड ऑफ मई और फर्स्ट वीक जून वी विल बी पास 10,000। सो ये मार्केट में कंसोलिडेशन है, डोंट टच द एफएमसीजी स्टॉक्स बट लुक एट द न्यू सेक्टोरल चेंजेस, फार्मा, मेटल्स, सीमेंट और रिलायंस, तो इन शेयरों में बदलाव है। आज हम कहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी पॉजिटिव है, आपने अपोलो टायर की बात की, सो आई एम गिविंग यू 3-4 स्टॉक्स विच आई थिंक कैन बी वेरी वेरी गुड ट्रेंड सेटर्स इन द नेक्स्ट रैली। उसमें सबसे पहले आएगा सन फार्मा, आई थिंक सन फार्मा इज कंसोलिडेटेड आफ्टर हिटिंग अ हाई ऑफ 500, यहाँ पे आप 440 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट आई वुड से अगेन अ रीटेस्ट ऑफ 500। सेकेंड वुड बी ग्रासिम, ग्रासिम वुड बी द बेस्ट प्ले ऑन द होल्डिंग कंपनी ऑफ अल्ट्राटेक, वोडाफोन एंड इंडालको, और वो तीनों शेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसका डिस्काउंट सबसे ज्यादा है और उसका VSF बिजनेस इज अगेन स्टार्टेड इन नागडा, तो मुझे लगता है ग्रासिम में आप 470 का स्टॉप लॉस रखिए, 550 का टारगेट। अंबुजा सीमेंट मुझे बहुत पसंद है, 167-168 है और मुझे लगता है सीमेंट प्राइसेस भी आर गोइंग टू गो अप एंड 60% डिस्पैचेस हैव स्टार्टेड, 185 का टारगेट है, 162 का स्टॉप लॉस। और चौथा होगा अपोलो टायर, जो आपको मेंशन किया है, जहां के केरला इज ऑलरेडी स्टार्टेड टू टेक इट फ्रॉम द फ्रंट, सो अपोलो टायर वुड बी माय टॉप पिक फॉर अ टारगेट ऑफ 98-105 और 83 का स्टॉप लॉस। एक नाम और मैं लूंगा, अभी आपने मीडिया की बात की, तो आई थिंक ये जो डील हुई है उससे एक सन टीवी का मार्केट शेयर गेन हो जा रहा है ऑन द तमिल टीवी साइड एंड ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म। सन टीवी के नंबर्स बहुत रिजाउंडिंग आएंगे और आपको पता है आज की डेट में टीवी के बिना तो रहना नहीं है, तो आई थिंक सन टीवी विल बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ एड रेवेन्यू एज दिस लॉकडाउन एंड्स। 380 का भाव है, 385 का, 375 का स्टॉप लॉस रखिए और 430 का इसमें टारगेट। ठीक बात है, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर है। शुक्रिया भसीन साहब आपका इस चर्चा में आज जुड़ने के लिए, लेकिन बाकी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और फोकस है उन बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज पर। शैल जी बताइए क्या रडार पर आया अभी? हेमंत जी मेरे ख्याल से दो स्टॉक्स पर आपको खासा ध्यान देना चाहिए, एक तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में लगातार इंट्राडे हाइज आपको बनते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक है 274.40 के आसपास और वॉल्यूम है लगभग 11 लाख शेयर। मेरे ख्याल से सबसे पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस पर राय लेते हैं सतपुते साहब से। साइडवेज है, अगर आप आर्ली चार्ट पे जाते हो तो 250-255 ये लोअर लेवल पे बेस बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऊपर में रेजिस्टेंस 295-300 है, एट प्रेजेंट इट इज एट 274, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे 265 का ब्रेकआउट है, 267 का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, अपसाइड में 294-295 मेरा इंट्राडे का टारगेट होगा। जी ये राय आपको मिली दिन के उच्चतम लेवल पर LIC हाउसिंग फाइनेंस पर ट्रेड करते हुए, लेकिन आपको बहुत अच्छा एक कंज्यूमर थीम बाजार में चलता हुआ दिखेगा, ये है लिबर्टी शूज पर। जितने भी आप लेदर स्टॉक्स देख रहे हैं